बस कैसे हैं आप लोग। बस अपने फैशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चीज़, और वो है जिंगर बर्गर या क्रिस्पी चिकन बर्गर। तो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि मैं कैसे बना रही हूँ। बस जिंगर बर्गर बनाने के लिए और क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए, जो मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है मुख्तलिफ पीसेस में। आपको जितने बर्गर बनाने हो उतने पीस आप कट कर लीजिए, और उसके बाद इसे हैमर से अच्छे से कूट लेना है। इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के गार्लिक, 1 लेवल टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही सफ़ेद मिर्च का पाउडर। ये सब लगा के हम इस चिकन को हैमर करके अच्छे तरीके से, और इन सब चीज़ों को लगा के इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, इसके अलावा मैरिनेशन में जाएगा चिली सॉस, सिरका ये और सोया सॉस, ये सब 1-1 टेबल स्पून जाएगा। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मसाला लगा दिया हमने, ये तकरीबन आधे घंटे अब इसको रेस्ट देंगे, और उसके बाद हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगले स्टेप में व्यूअर्स, हम कॉलस्लो बनाएंगे बर्गर के साथ खाने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए बंद गोभी, ये इस तरह से मैंने इसे काट लिया है, थोड़ी सी गाजर या अपने हिसाब से अपने अंदाजे से डाल लीजिएगा। मैंने ये तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी कम बंद गोभी ली है और 2-3 टेबल स्पून गाजर के हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट, नमक, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून शुगर, चीनी, और तकरीबन ये एक अंदाजे से मैंने मेयोनीज निकाली है, ये 4-5 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम इस कैबेज को थोड़ा सा ब्लांच कर लेंगे, और फिर सब इन चीज़ों को मिक्स करके कॉल्सला तैयार कर। पानी हमने चढ़ा दिया है कैबेज को, जो है बंद गोभी को ब्लांच करने के लिए पानी चढ़ा दिया है। पानी गर्म हो गया है, अब इसमें मैं ये बंद गोभी डालूंगी, और इसे सिर्फ 1 मिनट तक उबलते पानी में से डाल के मैं निकालूंगी। एक मिनट हो गया व्यूअर्स, चूल्हे को बंद करती हूँ और इसे छान लेती हूँ। व्यूअर्स, अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। कर
व्यूअर्स, कोल्सला रेडी हो गई है हमारी, इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी और अब सॉस बना लेते हैं। दो टेबल स्पून मेयोनीज, एक टीस्पून हॉट सॉस, एक टीस्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, आप लोग अपनी मर्जी से इन चीज़ों की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा अच्छा लगे। अगले स्टेप के लिए व्यूअर्स मैंने ये एक कप मैदा ले लिया है, प्लेन मैदा है, इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं की मैंने। एक क्वार्टर टी स्पून जो है, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, एक चौथाई चम्मच नमक है, एक चुटकी भर मैंने ऑरिगेनो ली है और हाफ टी स्पून मैंने ली है लाल मिर्च का पाउडर, ये सारा इसमें शामिल करेंगे। चलो तो व्यूअर्स, हमारे क्रिस्पी बर्गर, जिंगर बर्गर तैयार हैं। देखा तो व्यूअर्स कितना झटपट से कितना मज़ेदार क्रिस्पी बर्गर तैयार हो गया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बना। मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।